हैं? सही पूछने ना, डेड वाल सिखा लेंगे पेट। हाँ ये सही है, एमे और वाले क्या रहे? बड़ी मेहनत की थी तुम ही हमें। पेट जरा उनका ना। हाँ ये बड़ा नाम रहा है। शुक्र करो दुनिया के आदरी को डेड लग गया। मध्य जिधर डेड ड्रॉप ना होगा ना मर गया ऐसे। एमे हाँ जी खत्म हो चुका। एमे अस्सलामुअलैकुम, मैं मुनीर अहमद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुनीर गिल ऑफिशियल। तो आज शक्ल बदली होगी, मतलब एक तो हेयर कटिंग कल करवा ली थी और दूसरा ये है कि आँखों पे स्वेलिंग हुई नींद की वजह से, और मैं उठा भी लेट हूँ बट आज नींद नहीं पूरी हुई। और आज अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मुनीर अहमद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुनीर गिल ऑफिशियल। तो आज की वीडियो अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ करते हैं स्टार्ट। दे जाऊँ मैं ये देते आई कोई मशीन, वो तो भाग गई 80-70 जिन्हें आवाज के गई मेरी, वो तो भाग गई। वो तेन कि आख्या किस टाइम? तू वडा क्यों नहीं पिया? सुकी पी कोई नहीं, कच्ची है। सारी डिगी पी गोल हुंदी पी कबड़ा। छाव पे जा रहा हूँ, धूप काफी है, दिन टाइम तो धूप इतनी तेज निकलती है ना, रात को ठंड, रजाइयों वाली ठंड। यहाँ पे कुछ सुकून है, यहाँ पे ठीक है, नहीं यहाँ पे। ये बच्चे आ रहे हैं जी हमारे गांव के स्कूल से पढ़ के, कुछ ये कि बाबा नायत आ गए हैं और वो दाने वगैरह बना रहे हैं, और मैं जा रहा था तो उन्होंने कहा कि झाड़ू लेके आओ जो ऊपर से वो कचरा वगैरह साइड पे करना होता है, और मैं झाड़ू लेके अब जा रहा हूँ। आपको दिखाता हूँ कैसे वो पेड़ दाने साफ़ किए जाते हैं। भाई अभी काफ़ी पड़ी हुई है, इस साइड पे है, ये सामने है, और ये है दाने, उसके बाद ये दाने हैं, अभी इनको साफ़ करवाते हैं, मैं आपको दिखाते हैं। अनार आए मैं तो अभी मेरे पास तो टाइम नहीं है, गांव जाना पड़ेगा। 100 रुपये किलो अनार मिल रहे हैं, अनार। ये जी हल्ले में सुहागा इधर रखा हुआ, क्योंकि इसको भी दोबारा हल चला देने। बाबा दसे तो चाहे कि मैं आ गया, मैं आख्या तू हल गया, मैं पार्ले ते ही हैं। भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे साफ होते हैं दाने। और इस झाड़ू से मतलब इस तरह ऊपर से इस तरह साफ करना। चल बाबा सट, चल आ गई बा, ऐसे फेंकना है, और ये कचरा उस साइड पे जा रहा है। देखे कचरा उस साइड से जा रहा है। लो यार मारा झाड़ू, हैं
है चल केड़ा ये चौना ही है अस्सलामुअलैकुम। मैं मनीर अहमद, आप देख रहे हैं विलेज देसी फूड। तो आज आपको दिखाएंगे देसी तरीके से धान की फसल को कैसे साफ किया जाता है। तो अभी मिस्टर नैत साहेब हैं जो ऊपर दानों को फेंक रहे हैं, हवा की मदद से इसके अंदर से कचरा निकल रहा है। जो कचरा बचेगा उसको झाड़ू की मदद से साफ किया जाएगा ऊपर से। अब इस तरह ये साफ हो जाएंगे। ये देखें इस साइड पे कचरा जा रहा है। ये जी देसी दी, और अभी भी गांव में ये वाले तरीके अपनाए जाते हैं। और ये जो तरीका है ये काफ़ी पुराना है। अब तो मशीनें आ गई, मशीनें काटते साथ दाने भी साफ हो जाते हैं, बट ये जो हाथ से कुटाई वाली जो धान की फसल होती है उसकी सफाई इस तरह की जाती है। इसमें ये एक हवा जितनी ज़्यादा होगी उतना बेहतर है। अब माशाल्लाह हवा अच्छी चल रही है और ये सारे के सारे साफ हो गए। खुलो बाबा माला, और जो बचते हैं इस साइड पे वो बगैर दानों की जो फूकर होती खाली कवर होता वो होता है, और दाने वगैरह साफ हो जाते हैं। और आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आते हैं, तो गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बाद रेड बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि नई देसी स्टाइल में कोई भी वीडियो आए और आप तक पहुँच सके। तो इसी तरह आज की वीडियो में इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट मिलेंगे और वीडियो के साथ। धूप भी है, अभी हवा भी चल रही है, और जितनी ज़्यादा हवा होगी उतना ज़्यादा ही फ़ायदा होता है। तो अभी प्रॉपर तरीके से बाबा जी कर रहे हैं, ये हमारे बुजुर्ग ही हैं एक हिसाब से, गांव में जितना भी काम होता है इस तरह के तो इनको कहते हैं। आगे भी फसल की कटाई हो रही है, तो बाबा जी कह रहे हैं आगे नहीं जाना। मैंने कहा एक वाला तो जो एक साइड पे वो तो कवर कर ले बंदा, फिर दूसरी साइड पे जाए। तो मोबाइल स्टेबल नहीं हो रहा कि इसमें कलर वगैरह का प्रॉब्लम आ जाता है, तो ये इग्नोर कीजिएगा।
अब ये देखें थोड़ा सा, मतलब वो पराली को आग लगाई है, उसका धुआं चेक करें, मतलब जूम किया हुआ कितना ज़्यादा धुआं है। और जब ये फसलों में आग लगाई जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर तो बहुत ज़्यादा स्मोक होगी। बस इसी से अवॉइड करें, आग ना लगाएं, ताकि लोग भी महफूज रहें, आप भी रहें और आपका इलाका भी रहे। गाँव में आजकल धान की फसल की कटाई हो रही है, और एक चीज़ मैं और बताना चाह रहा हूँ कि अब धान की फसल की कटाई के बाद जो उसका कचरा बच जाता है उसको लगा देते हैं आग। तो जो किसान दोस्त मुझे सुन रहे हैं तो वो इस चीज़ से एग्री नहीं करेंगे, बट उनको ये चाहिए कि इसको आग ना लगाएं, क्योंकि आग लगाने से इसका धुआं होता है वो बहुत ज़्यादा, एक तो सेहत के लिए अच्छा नहीं है और दूसरा स्मोक का काम करता है। और जो हम कहते हैं ना धुंध आ गई, वो अभी धुंध स्टार्ट नहीं होती और इतना ज़्यादा स्मोक हो जाता है कि एक्सीडेंट का चांसेस ज़्यादा होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम इशू होते हैं, सूरज की किरणें ज़मीन तक नहीं पहुंचती, फ्रेश एयर नहीं होती और हर तरफ धुआं ही धुआं होता है जब तक बारिशें प्रॉपर अच्छी तरह से ना हो। तो सिर्फ इसी वजह से होता है। और मेरी सब दोस्तों से अपील है, जो किसान दोस्त हैं जिन्होंने चावल की फसल कटवा ली है, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि इसको आग ना लगाएं, इसको किसी गरीब, जो अक्सर गाँव में ज़रूरत होती है कि गरीबों को वो पराली वगैरह इकट्ठी करनी होती है, उनको कह लें इकट्ठी कर लें। और बाकी को क्या करें, कोशिश करें अगर ज़मीन में बत्तर नहीं है, ज़मीन में नमी नहीं है, उसको पानी लगा के उसके अंदर रूटा चला दें, ठीक है। और इसको आग ना लगाएं, क्योंकि आग लगाने से एक तो नीचे से वो ज़मीन का जो नमी वाला लेवल है वो ख़त्म हो जाता है, दूसरा नुकसान ये है कि पोल्यूशन बनती है और इससे पैदावार में भी फ़र्क पड़ता है। तो ये जो कचरा होता है ना, इसको नीचे रूटे की मदद से इसको काट के इसकी खाद बनाई जा सकती है, और खाद ज़मीन के लिए मुफीद होती है। और ये किया करें, और क्योंकि मोटरवे भी हमारे नज़दीक है, तकरीबन 1.5 किलोमीटर से मोटरवे गुजरती है, और जब ये अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ, अभी देखें नीचे नीचे हल्का हल्का है, लोगों ने जलानी शुरू कर दी तो हल्का हल्का है, जो ये बढ़ेगा ना तो हर तरफ इतना ज़्यादा हो जाएगा कि इंसान 100 मीटर पर देखना मुश्किल हो जाता है। तो अभी सीज़न है, लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को आगे शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाते होते हैं। यूट्यूब प्रमोट करें या ना करें, हम वीडियो बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए, और आपको साथते रहेंगे, अपने गांव की सूरत हाल बताते रहेंगे और हर चीज़ आपको बयान करते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें, और चैनल को बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया।